बोले कथा की इतने प्रभाव, देखो हम भी कथा सुन रहे हैं, जब कथा का विश्राम हो जाएगा ना, आप जितने यहाँ पर बैठे हुए हो सबके लिए एक एक रथ आएंगे, आप लोग चलोगे कि नहीं? हाथ उठा तो कौन पर जाएंगे, सबके सब चलोगे? मुझे लगता है सचमुच से रथ आ जाए ना, क्या मंदिर खाली हो जाए, ये सबके सब आ जाएंगे। बोले अभी बेटी की शादी नहीं हुई, बेटा पढ़ाई कर रहा है, अभी हमारा नौकरी है, अभी मेरे पति को भोजन कर, यहाँ पर ना कोई नहीं दिक्कत है उसको बाहर जाएगा, इसलिए कोई चिंता मत करो। जब तक संसार की आसक्ति नहीं खत्म होगी ना, अभी पिता माता का स्वभाव आया बच्चे के ऊपर में, कहीं सत्संग में नहीं, कथा में नहीं, कहीं अच्छे काम में नहीं, अभी धीरे धीरे बच्चे का हृदय भी शुष्क होने लग गया। जब घर में शादी हुई, घर में पत्नी आई, धीरे धीरे पति का स्वभाव भी पत्नी में धीरे धीरे आने लग गया। अभी जब बच्चे बड़े हुए, क्यों सत्संग में नहीं जाते, कोई ज्ञान नहीं, कथा नहीं, अभी धीरे धीरे पिता माता को अनादर करने लगे। उनके तीन बच्चे थे, जय की कथा है, कहते उनका तीन बच्चे थे, अभी धीरे 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 पिता को सबके सब निगलेक्ट कर रहे हैं, पिता माता को सेवा नहीं, उनकी बड़ा निगलेक्ट करते, क्यों? सत्संग में गए नहीं, कथा सुने नहीं, सत्संग में कहीं पैसा लगाया नहीं। अभी वही गुण आया बहुओं के अंदर में, एक दिन वो पिता माता बड़े दुखी, करो ये पिता माता को नवद्वीप धाम की तीर्थ यात्रा में भेज दो, जब वो घर में जाएंगे ना, इनका जो इसी घर में सारा माल पानी है, फिर हम ताला तोड़ करके सारा पैसा ले लेंगे। पिता माता के पास में तीनों बच्चे गए, बोले पिताजी कलयुग में ये जो नवद्वीप धाम की विशेष महिमा है, आप जिंदगी भर कहीं तीर्थ यात्रा में गए नहीं, केवल पैसा को इकट्ठे किए, अभी वृद्धावस्था में थोड़ा तीर्थ में जाओ, आपको जाने का हम व्यवस्था कर देंगे। पिताजी तो बड़े खुश हो गया, जब बांध लिए, अभी उसी गांव का एक व्यक्ति नवद्वीप धाम में गया, उसने पता चला इनका घर तोड़ फोड़ करके सारे पैसा दशरथ कर दिए। जब गए जाकर के बोले, तुम तो तीर्थ यात्रा में आ गए, पीछे से तुम्हारे तीनों बच्चों ने ये ताला तोड़ करके सारे पैसा को लूट लिए, सबके तीनों बांट लिए। सुनकर तो रोना सुन, क्योंकि जिंदगी का कमाई उसने की। बोले बच्चे हमारे साथ में ऐसे किए, बोले और घर में नहीं जाएंगे, और कभी भी एक पैसा कहीं दान पुण्य में नहीं किए, केवल जोड़ते जोड़ते रहे। बोले एक काम करो, हम अभी नवद्वीप में छोटी सी एक दुकान खोलेंगे, कभी तो संतों की सेवा की नहीं, ठाकुर का सेवा नहीं की, उसमें जो लाभ होगा थोड़े थोड़े साधु और भक्तों की सेवा, ठाकुर का सेवा करते रहेंगे। फिर कुछ दिन बाद में फिर मन बदल गया, बोले भैया जो कुछ हो तो बेटा ही है ना, चलो एक बार चलते हैं। लेकिन उनको साथ में जो एक माता जी थी, बोले खबरदार बच्चों का सारा पैसा लूट लिया तुम्हारी, अभी घर में जाओगे ना जान से मार देंगे तुमको, पैसा मांगोगे ना जान से मार देंगे, अभी घर जाने का बात मत करो, जिंदगी भर कलुषिता तुमने की, एक पैसा कहीं भगवान होता है। सदर महाराज का नाम सुने, बोले हाँ, बोले कितने बच्चे थे, बोले बोले चित्रगुप्त महाराज का नाम सुने, बोले हाँ, बोले कितने पत्नी थी, बोले एक करोड़, एक को बाद में दूसरे दूसरे तीसरे शादी करते रहे, लेकिन बच्चा नहीं हुआ, और एक बच्चा हुआ तो और दूसरे रानियों ने जहर पिला करके मार दिया। लास्ट में क्या किए, लास्ट में जाकर भगवत भजन करते हुए सुखी मिला। बच्चों संतान से सुखी नहीं, भगवान की भक्ति से सुखी। अगर ठाकुर संतान नहीं दे दुखी मत हो, क्या करो? बोले अब घर में अपना लड्डू गोपाल रख लो, घर में लड्डू गोपाल रख लो, लड्डू गोपाल की सेवा करो, भगवान कोई अपना बेटा मानो, ऐसे बेटा दुनिया में कहीं मिलेगा तुमको? देखो वृंदावन में एक कोई माता जी ये लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, जिंदगी भर तक सेवा की, लेकिन जो वृद्धा हो गई अब उसकी सेवा कौन करेगा? स्वयं कृष्ण करते थे। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जो व्यक्ति जिंदगी भर भगवान की भक्ति करते हैं, जब वृद्ध हो जाए ठाकुर जी को उनकी सेवा करना पड़ता है, भक्ति ठाकुर जी को करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने समझा है, देखो भगवान कोई अपना बच्चा मान लो, मान करके ठाकुर जी की सेवा पूजा करो, वो माने ही नहीं, बोले ये संत जीवन तो बड़ा सुखा जीवन है, हाँ बीवी नहीं बच्चे नहीं, हम ऐसे जीवन नहीं चाहते, हम तो घर गृहस्थ जीवन चाहते हैं। उसने कहा देखो तेरे ललाट देख करके मैं पढ़ रहा हूँ, सात जन्म तक भी तुम्हारी संतान नहीं होने वाली। बोले भैया
एक जीवन में संतान नहीं, इतना दुखी, बोले 7 जन्म तक नहीं। बोले अगर आप ये बात को बता सकते हो, फिर आप हमें बच्चा भी दे सकते हो। चरण पकड़ के रोने लग गए। संत ने एक फल लेकर के दिया, पत्नी को खिलाना और बोलना गीता भागवत पढ़े, झगड़ा नहीं करे, बड़ा सुंदर बच्चा जन्म लेगा। लेकिन वो धुंधली, वो तो धुंधली है। धुंधली मतलब अज्ञान, अंधकार। वो संतों का वस्तुओं को कहाँ स्वीकार करता है। अभी तो दुखी दुखी हो गई, ये कहाँ से फल ले आए, गर्भ धारण करूंगी, फिर खा नहीं पाऊंगी, फिर भाग नहीं पाऊंगी, फिर प्रसव पीड़ा, बच्चों को लालन पालन करना कितना कठिन है। दुखी दुखी हो गई। उसकी सहेली बोली, चिंता मत करो, मेरे पति को पास में संतान नहीं, तेरा पति को पास में ज्यादा पैसा, कुछ पैसा मेरे पति को दे दे। अब पेट में कपड़ा बांध करके झूठ मूठ की बहाना बना करके सोते रहो। संत ने जो फल दिया उसको तुम दे दो गैया को। बस उसने ऐसे कर दिया। अभी उसकी सहेली की बच्चा हुई ना, उसने घर में ला दिया। बस पंडित तो बड़ा खुश है, लाला भय हो, लाला भय हो। लेकिन जो गैया कभी भी संतान नहीं दिया, वो संत का दिया हुआ फल कभी नष्ट नहीं जाएगा। वो गैया भी बड़े सुंदर संतान जन्म दिया, शरीर राज पुत्र जैसे, कान केवल गैया जैसे। अभी धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हुए। जब बड़े हुए, जब एक नामकरण संस्कार है, नामकरण संस्कार में नियम होता है, देखो ध्यान देकर सुनो। ऐसे नहीं टुल्लू बुल्लू टिंकी फिंकी मुंह में जुआ रख, नहीं। ये एक बहुत बड़ी साइंस ही है, ये एक बहुत बड़े साइंस ही है। ऋषि मुनियों ने जो जो विधान देकर गए ना, वो सबके सब साइंस ही है। देखना जो बच्चों का शादी होता है, जन्म पत्र मिला कि नहीं? जन्म पत्र क्यों, जन्म पत्र क्यों नहीं मिला? तो अगर जन्म पत्र मिला करके अगर शादी करोगे तो वो जीवन में सुखी रहते, इसलिए जन्म पत्र मिलाते। लेकिन जन्म पत्र मिलेगा कब? नाम से। अगर नियम है जिस नक्षत्र से वो बच्चा जन्म लेता है, उसमें एक अक्षर निकालते हैं। अब देखना, जैसे कोई भी मशीन हो, कोई भी मशीन हो, उसको साथ में एक मैनुअल होता है। और मैनुअल को कौन बनाता? जिसने मशीन को बनाया। कैसे चलाओगे, कैसे क्या करोगे? अगर उसको पढ़ करके करोगे तो बढ़िया चलेगा, अगर बिना पढ़े करोगे तो खराब होगी। ये दुनिया बनाया किसने? दुनिया किसने बनाया? भगवान। इसको साथ साथ में ठाकुर ने मैनुअल भी दिया। कौन है? गीता है, रामायण है, भागवत है, मनुसंहिता। मनुसंहिता जरूर पढ़ना। ये मनुसंहिता में सारे नियम बताया गया है। उनको जो पिताजी था दशरथ महाराज की, बल्कि उनका नाम था अज, वहां से लिया आ क्या, इसलिए बना राम। कृष्ण, कृष्ण के पिताजी का नाम दिया नंद, उसमें जो सुना है वो ना अक्षर नंद से लिया। पर उनको पिताजी का नाम परजन्य, वहां से र लिया, और क्री में जो री मात्रा है वहां से लिया। इसलिए पहले जब नाम रखते थे तो त्याग दी। कोकर मैंने बड़े सुंदर उपदेश दिया, बोले पिताजी केवल प्रभु की भजन से ही सुखी रह सकते हो, और किसी को द्वारा सुखी नहीं हो सकते। जीवन को प्रभु की भजन में लगा दो। घर में मैया रह गई, मैया को बड़े सताए, मैया कुएं में आत्महत्या की। उसने 6 वेश्या को घर में बुलाए, काम क्रोध लोभ मोह मद वात्सल्य। हमारे पास में भी 6 वेश्या है, कोई बोले साड़ी दो, कोई बोले गहना दो। राज दरबार में डाकू डाले, बहुत पैसा लाए। अभी वेश्या ने देखा सवेरे होते ही सीआई लग जाएगा, अगर पकड़ गए ना जेल जाएगी। राता रात बुरी तरह से मारे, गड्ढे खोद करके भाग गए, बन गया प्रेम। जब श्री गोकर्ण आया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भजन के लिए 5 चीजें हमें चाहिए, तब ये भजन फल देता है। बोले पहला फल, बोले लय। लय मतलब होता है कथा सुनते समय नहीं सोनी चाहिए, कथा सुनते समय सोनी नहीं चाहिए। विक्षेप, विक्षेप का मतलब होता है जैसे देखना आप जो माला जब करते हैं, आप बैठ गए माला, देखो टीवी को खोल कर बैठ जाओ 3-3 घंटा बैठ जाओ, लेकिन आप 10-15 मिनट बैठने के बाद मन में इतने उचार सा आ गई, ये कब खत्म हो गई, माला खत्म नहीं हो रहा। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए हरि नाम करते समय एक जगह पर बैठ करके हरि नाम करनी चाहिए, तभी ये फल देता है।
अभी दिवस का मतलब होता है भजन करते समय, जैसे श्री अभी कथा सुनने के बाद में भरत महाराज राज्य छोड़ करके तो भजन के लिए आए, लेकिन अंतिम समय में केवल एक हिरण का ध्यान आ गया, अगले जीवन में हिरण बनते हैं। इसलिए भजन करते समय अभिनिवेश कहीं नहीं होना चाहिए। जो चौथा चीज है रसास्वाद, रसास्वाद का मतलब है जैसे माला कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, लेकिन माला तो यहाँ चल रहा है, मुंह भी चल रहा है, हाथ भी चल रही है, लेकिन मन ना किसी दोस्त के पास में चला गया, नहीं तो गोल गप्पे की किसी दुकान में, नहीं तो सिनेमा हॉल में चला गया, लेकिन इधर तो हरे कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन मन यहाँ पर है नहीं। इसको कहते हैं रसास्वाद। कहते नहीं, कथा भी सुनने के लिए जब तक एक मन से कथा नहीं सुने, अब विश्वास सबसे जय श्री राम। देखो अभी कथा को हम विश्राम कर रहे हैं और दो मिनट सुन लो। देखो कथा कैसे सुननी चाहिए, बोले जो श्रोता है दो तरह के, कितने तरह के, एक है अच्छे श्रोता और एक है साधारण श्रोता। जो अच्छे श्रोता, ध्यान देकर सुनो, कल भी सबको पूछूंगा, जो अच्छे श्रोता वो चार तरह के, कितने तरह के, चार। पहला नंबर है हंस। अब हंस को दूध दो, देखना वो दूध दूध तो पी लेगा, पानी पानी को छोड़ देता है। मतलब वही अच्छे श्रोता जो जीवन में सार सार को तो ले ले और असार को तो ध्यान ले। दूसरा नंबर है मछली। आप लोग मछली देखे हो, आप देखना मछली का जो आंखों का जो पलक है ना, कभी झपती नहीं, इसका मछली का आंख का पलक खुली रहती है। बोले कथा कैसे सुननी चाहिए, बोले एक मन से, मछली जैसे एकदम आंख खोल करके, जैसे एक कथा जैसे चुप नहीं जाए। तीसरा नंबर है चातक। एक चिड़िया है, वो किसी नदी का पानी नहीं तो किसी तालाब का पानी नहीं पीता है, वो केवल स्वाधीन नक्षत्र का पानी पीता है जब बारिश हो। इसलिए वो चिड़िया हर समय बोलता है प्यासा हम प्यासा हम प्यास, बस मेरे को पानी 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 है। इसलिए कथा कैसे सुननी चाहिए, चातक जैसे टक टक लगा करके एक मन से। जो चौथा नंबर है मधुमक्खी। मधुमक्खी को आप देखे होंगे, भले ही कहीं कांटा का पेड़ होगा ना, अगर उसमें फूल हो वहां भी बैठ जाएगा और वहां से भी शहद को लेकर के बड़ी सुंदर छता बना देता है, मधुमक्खी की छता। इसलिए हमें मधुमक्खी जैसे श्रोता होनी चाहिए। मधुमक्खी दो तरह का, एक मक्खी और एक मधुमक्खी। मक्खी क्या करता है, गंदी चीज में बैठता है, और मधुमक्खी शहद के ऊपर फूल के ऊपर बैठता है। इसलिए हमें मक्खी नहीं होनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, हमें मधुमक्खी होनी चाहिए। कहते ये चार तरह का अच्छे श्रोता, चार तरह का साधारण श्रोता। पहला नंबर है भुरु। ये एक हिमालय में एक पक्षी रहता है, इसका स्वभाव है आप जिस इसको जैसे आप सुनाओ ना ठीक आपको वैसे सुना देगा, लेकिन वो करते समय सबके सब उल्टा करेगा, वो कोई भी सीधा दावा नहीं करेगा, सुनेगा सुना के देगा लेकिन एक अक्षर अपना जीवन में उतारेगा नहीं। दूसरा नंबर है ऊंट। आप लोग ऊंट देखे नहीं, देखे होंगे ना ऊंट, देखना ऊंट को कोई कबल कबल आम की पता तो नहीं खाएगा, वो ढूंढेगा भैया बबुल का पेड़ कहाँ पर जिसमें कांटा हो। मतलब है भगवान की मीठी मीठी कथा में रुचि नहीं, जहां पर कांटा केवल दुख दुख बात हो ना, हाँ उसका बेटी ऐसी की, उसकी बहू ऐसी करती, यहाँ पर ऐसे हो रही थी, सारा दुनिया की बात को जंजाल को बोलते रहेंगे, लेकिन इनकी भगवत कथा में रुचि नहीं, इनको कहते ऊंट है। तीसरा नंबर है बेल। बेल को आप सुंदर सुंदर चीकू केले फल दो और भूसा दे दो, वो कुछ ऐसे श्रोता है जो स्वयं तो मन लगा करके सुनते नहीं, लेकिन पास में जो बैठ करके सुन रहे हैं ना उसको भी सुनते नहीं देंगे, बिना कारण से कारण के उसको साथ में बात करते रहेंगे, इसको कहते भेड़िया। बल्कि कथा चार तरह का है, सात्विक राजसिक तामसिक और निर्गुण। बोले राजसिक कथा किसको कहते हैं, बड़ी ठाड़ बाड़ से कथा की आयोजन की, सारा दुनिया को निमंत्रण दिए भैया कथा होगी सुनने के लिए आओ, लेकिन कभी कभी दूसरों को देख देखभाल करने में वो इतने बिजी हो जाते हैं, जो मेन वस्तु कथा सुनना वो कथा ही नहीं सुनते, कौन क्या खाया नहीं पिया रुखा नहीं, कथा ठीक से सुननी चाहिए। बोले तामसी जैसे 7 दिन तक कथा होगी, कथा में कभी इच्छा होगा तो बैठ जाएंगे, मन नहीं लगा बोले चक्कर लगा करके आ जाओ, हैं मन किसी तरह से, मन और बेमन से किसी तरह से सुनना, नहीं तो कथा जब समाप्त तो होते जा रही थी
उसी समय आएगी, नहीं तो बीच में बोले नहीं। कथा सुनने का नियम है एक मन से। देखो ये कथा को बताया एक कल्पक विज्ञा है। क्या है कथा? ये कथा क्या है? ये कल्पक विज्ञा बताया। मतलब कल्पक विज्ञा का मतलब क्या है? जो जिस वृक्ष को नीचे आप बैठ करके आप जो कुछ मांगोगे ये भागवत आपको वही दे देगा। अगर आप 7 दिन तक एक मन से कथा सुनो, नियम से आप कथा सुनो, इसलिए भागवत में बताया जो संतान ही संतान प्रदान करता, जो निर्धन है उसको धन प्रदान करता है, जो दुखी है उसको सुखी बनाता है, जो रोगी है उसको निरोग बनाता है। जो कुछ मांगोगे ये भागवत कथा से, अगर सही सही ये कथा को आपने सुना, और विशेष करके पुरुषोत्तम महीना, इसमें तो इतने महीना जो सोच भी नहीं सकते हो, इसी महीना में कथा सुनना। इसलिए कथा कैसे सुननी चाहिए? नियम है बिना खाए पिए 7 दिन तक कथा सुनो। बोले भैया भूखे ना भजन हो गोपाल, बिना खाए पिए तो सुन ही नहीं सकते। बोले नहीं, अगर ऐसे नहीं सुन सकते है ना, फिर आप 7 दिन तो घी पी कर कथा सुनो। बोले भैया पेट बदला हो जाएगा, बैठ नहीं पाएगी। बोले अगर ऐसे कथा नहीं सुन सकते हो, फलाहार करते हुए कथा सुनो। बोले हाँ ये तो बन पाएगा। बोले अगर इसमें दिक्कत है, बोले एक बार फलाहार करो और एक बार भोजन करो, इसको सबसे बेस्ट बताया। एक बार बढ़िया से भोजन करो और एक बार फलाहार करके करो, ये सबसे बढ़िया नियम है। अगर इसी में भी तुम्हें दिक्कत है, बोले जितना बार भोजन करना करो कोई बात है, लेकिन कथा को ठीक से कथा को सुनो। लेकिन सबसे बेस्ट नियम बताया एक बार भोजन और एक बार फलाहार, ये सबसे बेस्ट नियम बताया। इसलिए अगर नियम से कोई कथा सुनेगा तो 7 दिन में आप जो कुछ मांगोगे एकदम भागवत आपकी सारी इच्छाओं को ये पूरी कर देगी। यदि ये निर्गुण किया, बल्कि जिसने संपूर्ण जीवन ही भागवत मनमय बना दे, रोज नियम करके गीता हो भागवत हो नियम करके जो धर्म पढ़ते हैं, यदि ये निर्गुण है यही कथा ही सही कथा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ आज कथा को यही विश्राम देते हैं। सबके सब खड़े हो जाओ, प्रभु जी एक सुंदर भजन गाएंगे। ये भजन में सबको नृत्य करना है, ठीक है? सबके सब खड़े हो जाओ, सबके सब सामने आ जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय।